गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। सुबह के 8:30 बज चुके हैं, मैं फिलहाल सो के जग चुका हूँ। जैसे आप देख रहे हो, मैं फिलहाल बेड पे ही हूँ और आज होली है, तो इसलिए आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज किस तरीके से होली मनाऊंगा, कैसे मनाऊंगा, कहाँ पे जाऊंगा, किससे मिलूंगा, वो सब आपको दिखाऊंगा जितना पॉसिबल होगा। आप लोग बने रहो ब्लॉग में, आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हैप्पी होली बेटा। हाँ, बस इसको मेरे को डर लगता है, चाहे कोई भी हो बाबू, इसको डर लगता है। भैया को हैप्पी होली इस तरीके से। और ये इसको तो तुम बताए राहुल, ये राहुल को इनका साफ को भी जग जा। हैप्पी होली राहुल, हैप्पी होली भैया। हां, किसी बड़े के होली आज के दिन होता है। अंकल अंकल हैं लगा रहे हैं छोटे, वो स्कीम दे दे। हैप्पी होली गाइस, हम लोग होली मना रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, आप लोग भी मना रहे होंगे। और भैया की तरफ से भी सबको हैप्पी होली। तो जिस तरीके से हमारे सामने वाले छत पे लोग होली खेल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो, इस तरीके से सभी होली खेल रहे हैं। ये मेरे सामने का छत है, मैं भी अपने छत पे हूँ। जैसे बाहर बाइक स्टार्ट करो। तो गाइस, फिलहाल हम पार्किंग में हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे घूमने। लो, तो हम यहाँ से जा रहे हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ घूमने और वहाँ पे दिखाऊंगा। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हो, हमारे यहाँ पे ये होली का माहौल ऐसा हो रहा है। यहाँ पे लोग काफी सड़कों पे आ रखे हैं और सभी होली मना रहे हैं। तो इस तरीके से होली मनाई जा रही है और सभी लोग, ओ माय गॉड, ये स्कूटर वाला तो ठोक ही देता। लोग नशे में दारू पी करके ऐसा खतरनाक बाइक और गाड़ी चला रहे हैं जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने एक दोस्तों के यहाँ पे, उन लोगों के साथ होली मनाऊंगा। तो गाइस, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं। और कहाँ पहुंच चुके हैं सुमित बताओ। अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्त के यहाँ और एक बंदा है रमेश भाई है, उसके यहाँ जा रहे हैं। तो फाइनली उसके यहाँ पहुंच गए हैं। यो पकड़े, सुन ले भाई, ले जो बोले वो बजियो। दे भाई, दे मेरे को, कौन बोले जो बोले वो दे। मेरे को ये बताओ किसके फेवर में बजवाऊं। हां, भोसड़ी का दुबारा लिया, भोसड़ी के पाटक पाटक जय पाटक पाटक। अरे बस इतना से कट गया ना पाटक, वरना से पूरा
गाइस जैसे आप देख रहे हो हम बहुत अच्छे तरीके से होली मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी सारी टोली है, हमारे सारे फ्रेंड है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस फिलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं किसी और जगह पे जा रहा हूँ, हमारे एक चाचा जी हैं उनसे मिलना है और मैं उनके पास फिलहाल जा रहा हूँ। सुमित काफ़ी देर से कह रहा था वहाँ चलना है चलना है चलना है, मैंने कहा चल लो भाई। वैसे शाम के 4:30 बज चुके हैं और फिलहाल हम जा रहे हैं अपने गाड़ी के पास और गाड़ी में बैठ करके फिर यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे चाचा जी के घर पे। तो गाइस ये रहा गाड़ी और फिलहाल यहाँ बैठ रहे हैं। लॉक खोलो, तो गाड़ी की लॉक खुल गई। तो गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं, सुमित गाड़ी चला रहे हैं और ये रहा सुमित। तो हम गाड़ी यहाँ से निकाल रहे हैं और बस निकलने ही वाले हैं। तो गाइज मैं फिलहाल यहाँ पे बैठा हूँ, चाचा के यहाँ पे बैठा हूँ और इस तरीके से यहाँ पे राजन खाना खा रहे हैं और ये रहे विकास भैया, ये यहाँ पे चाय पी रहे हैं और सुमित वहाँ पे उसका फ़ोन आ गया, अपने फ़ोन में बिजी हैं। और ये हमारे सतीश चाचा जी हैं। चाचा आप कुछ बोलना चाहेंगे होली के शुभ अवसर पर? होली की शुभकामनाएं सबको दे दीजिए। होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, और क्या यही। तो चाचा की तरफ से सभी को होली की शुभकामनाएं और इस तरीके से बहुत मजा आया और अपनों के साथ होली के दिन मिलते हैं और हम सारे लोग यहाँ पे हैं इस तरीके से, तो बहुत मजा आ रहा है। और सुमित ठाकुर हमारा कॉल लाके बैठा हुआ है एशियन पेंट लगवाने के बाद। तो सभी लोगों को प्रणाम बोलते हुए यहाँ से निकलते हैं। प्रणाम विकास भैया। प्रणाम चाचा। तो यहाँ से निकलते हैं गाइज। तो गाइज फिलहाल चाचा के यहाँ से आकर के और हम बाइक पे घूम रहे हैं। हाँ ये मैं साकेत में घूम रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और अभी जा रहे हैं पीवीआर की ओर, घूम फिर के आते हैं, सोचा शाम का माहौल देख लूँ कैसा हो रहा है। और गाइस फिलहाल आ गए हैं खोखा मार्केट जो साकेत जे ब्लॉक में है। और क्या करना है सुमित? फिलहाल हम रजनीगंधा खा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। देखा ये रहा रजनीगंधा इसका, और रजनीगंधा खाने के लिए जे ब्लॉक लेके आए हैं और ये सड़कें पूरी खाली हो रही है, थोड़ी बहुत ट्रैफिक है क्योंकि आज होली का दिन है। और फिलहाल हम यहाँ से घर निकलेंगे क्योंकि इसके शकल पे पूरा लगा हुआ और मेरे भी शकल पे काफ़ी लगा हुआ है पेंट, और जाके छुड़ाएंगे और नहाएंगे। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो मैं फिलहाल घर पे हूँ और मैं घर आ चुका हूँ, नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।